नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और आपके साथ मैं हूं अर्चना कौशल। मनोहर सरकार के दावों पर विकासशील हरियाणा में आज बात प्रदेश में नए उद्योग नीति की करेंगे। सरकार का दावा है कि मनोहर कार्यकाल में उद्योग नीति को काफी सरल कर दिया गया, जिससे उद्यमियों के लिए नया उद्योग लगाना आसान हुआ है। अब नए उद्योग लगाने के इच्छुक उद्योगपतियों को एक छत के नीचे सिंगल विंडो के जरिए उद्योग से जुड़ा कोई भी क्लियरेंस मात्र 45 दिन में मिल रहा है। साथ ही जो कंपनी पहले से प्रदेश में चल रही है, उन्हें भी अब किसी काम के लिए भटकने की जरूरत महसूस नहीं होती। मनोहर सरकार का ये दावा है कि उद्योग पर उनकी नीतियों की वजह से देश और दुनिया की बड़ी से बड़ी कंपनियों की दिलचस्पी हरियाणा में बढ़ी और इससे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हुए, जो हरियाणा को विकास की रफ्तार दे रही है। प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने को लेकर सरकार की ओर से आए दिन बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन सवाल ये कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है? क्या वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा मिला है? क्या अब नए उद्योग को सिंगल विंडो सिस्टम पर 45 दिन के अंदर क्लियरेंस मिल रहा है, जैसा कि सरकार की ओर से दावा भी किया जा रहा है? क्या नए उद्योग नीति से युवाओं को रोजगार मिलना आसान हुआ? इन तमाम सवालों के जवाब आप हमारी इस रिपोर्ट के जरिए देखेंगे। प्रदेश की मनोहर सरकार का दावा है कि पिछले करीब 8.5 साल में इन्वेस्टमेंट को लेकर सकारात्मक माहौल बना है, जिससे विदेशी निवेश के साथ साथ घरेलू उद्योग का भी बढ़ावा मिला है और इसका लाभ युवाओं को रोजगार के रूप में मिल रहा है। हमारे माननीय मनोहर लाल खट्टर जी, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो ये योजना शुरू की है, ये इसमें युवाओं की भागीदारी बढ़ेगी, क्योंकि आपको भी पता है हमारे, जैसे मैं सोना विधानसभा से आता हूँ, तो हमारे यहाँ काफ़ी वेयर हाउसेज हैं और काफ़ी सारी, तो उनकी NOC लेने में या सारी बड़ी समस्या होती है। हम इधर उधर काफ़ी सारे दफ्तरों में जाते हैं, धक्का मुक्की होती है। जो योजना मुख्यमंत्री जी ने शुरू की है, उससे इजी टू अप्रोच हो जाएंगे सारे काम और युवाओं की भागीदारी हमारे प्रदेश में काम के प्रति काफ़ी बढ़ेगी और युवाओं को अच्छा रोजगार मिलेगा। ये जो नई इंडस्ट्री योजना आई है, इससे जो कि मैं देख पा रहा हूँ कि एक ही छत के नीचे सभी सारे कार्य हो रहे हैं, नियमित समय में परमिशन मिल जाती है और नई नई इंडस्ट्री जब लगेंगी तो युवाओं में रोजगार का अवसर होगा। युवाओं में बहुत खुशी है, जो उसे हरियाणा सरकार की जो इंडस्ट्री योजना है, ये बहुत बढ़िया है। इससे युवाओं में रोजगार के नए अवसर खुलेंगे, एक ही जगह आपको सब चीजें मिल जाएंगी, एक ही पोर्टल पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये बेहतरीन है, ये योजना हरियाणा सरकार की बहुत बेहतरीन है। जब इंडस्ट्रीज लगेंगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और जब रोजगार मिलेगा तो उनका, अब वो अपने बच्चों का लालन पोषण भी ढंग तरीके से कर पाएंगे। एक तरीके से देखा जाए भारत से कुपोषण को कम हो सकता है, इस नजरिए से मेरा ये मानना है। वर्तमान की मनोहर सरकार का दावा है कि प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं। मसलन, कंपनियों को एक निश्चित समय में ऑनलाइन क्लियरेंस देनी हो, इंस्पेक्शन को कम करने की बात हो, इंस्पेक्टर राज खत्म करने की बात हो, या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट देने की बात हो, नई उद्योग नीति में पारदर्शी और सरल बनाया गया है ताकि इन्वेस्टर्स को किसी तरह की परेशानी से जूझना ना पड़े। बता दें कि मनोहर राज से पहले उद्योग को लेकर कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई थी, जिसका खामियाजा इन्वेस्टर्स को भुगतना पड़ता था। विभिन्न विभागों में दलालों और बिचौलियों का बोलबाला था, जिससे परेशान उद्योगपति निवेश करने से कतराने लगे थे, लेकिन अब मनोहर नीतियों की वजह से विभिन्न कंपनियों ने लाखों करोड़ों रुपए का निवेश किया है। IT उद्योग भी हमारे यहाँ गुरुग्राम के अंदर पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन आज देश और दुनिया में उद्योग के नाते यदि आगे बढ़ेंगे तो IT उद्योग के बाद अगर कोई उद्योग आता है तो वो फार्मास्यूटिकल उद्योग ही आता है, दवा उद्योग ही आता है। लोगों को स्वास्थ्य की एक चिंता निश्चित रूप से अब होने लगी है, हेल्थ कॉन्शियस अब हर आदमी हो गया है। और वैसे भी कहा कि जो बेसिक नेसेसिटीज़ है आदमी की, उसमें रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान, तो स्वास्थ्य भी जो है उसमें वन ऑफ द फैक्टर, और अब तो बहुत ज़्यादा कोरोना के इस कारण से बहुत एक महत्वपूर्ण विषय उभर करके आया है। हर व्यक्ति
अब ये अपने स्वास्थ्य की चिंता करने लगा है, और जब स्वास्थ्य की चिंता करेगा तो निश्चित रूप से हेल्थ सर्विसेज में फार्मास्यूटिकल उद्योग, इसका अपना एक महत्व है। और इसको जब हम ध्यान करते हैं तो अभी जो आप लोगों ने जिस विषय के ऊपर चर्चा आज की है, बल्क ड्रग की योजना, और इस बल्क ड्रग की योजना में अभी तक, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें विदेश के ऊपर हम निर्भर होते थे, रॉ मटेरियल के ऊपर भी निर्भर होते थे, हालांकि दवाइयाँ हमारे यहाँ पहले भी कम नहीं बनती हैं, पर्याप्त बनती हैं, 50% ऑफ द शेयर ऑफ द वर्ल्ड, ये आज भी हम उसमें एक प्रकार से कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी अमेरिका जैसे देश का 40% की सप्लाई तो हमारे यहाँ से होती है, यूके जैसे देश की 25% ड्रग की सप्लाई वो हमारे यहाँ से होती है। लेकिन क्या इसमें हम और आगे बढ़ करके, क्योंकि हमारे यहाँ कोई टैलेंट की कमी नहीं है, हमारे जितने साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, इन सब बातों का जैसे बताया अभी, उनकी कोई कमी नहीं है, लेकिन उनका हम उपयोग अपने यहाँ कर पाए, ये हमारे जो एसेट्स हैं इनका उपयोग हम कर पाए, इसके लिए जो योजना बनाई जा रही है उसके अंदर निश्चित रूप से हरियाणा में हम आगे बढ़ने के लिए अपने आप को ऑफर करते हैं। हरियाणा जितनी भी दिशाओं में आगे भले होगा, लेकिन स्कोप बहुत ज़्यादा है, और स्कोप के नाते से हम हर प्रकार के इन्वेस्टर को अपने यहाँ लाने के लिए तैयार हैं, रोज़गार के लिए देने के लिए, शिक्षा ये हमारे यहाँ पर्याप्त है। जैसा बताया गया कि हमारे यहाँ 150 फार्मास्यूटिकल कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस ये यहाँ हैं, अगर केवल फार्मेसी की मैं बात करता हूँ तो। बता दें, प्रदेश में उद्योग लगाने के लिए किसी भी कंपनी को करीब 78 तरह की सर्विसेज की जरूरत होती है, जिसमें पॉल्यूशन, लेबर, डिपार्टमेंट से लाइसेंस लेना, बिजली की सही उपलब्धता, या फिर जमीन और कंस्ट्रक्शन की बात हो। मनोहर सरकार की नई उद्योग नीति के कारण एक कॉमन फॉर्म के जरिए कंपनियों को ये सारी सुविधा कैशलेस, फेसलेस और एक निश्चित समय में दिया जा रहा है। बताते चले कि साल 2017 के मई से ऑनलाइन सिस्टम की शुरुआत की गई थी, और तब से अब तक इस व्यवस्था की तरह कई हजार कंपनियों को क्लियरेंस दिया जा चुका है। यही नहीं, सरकार के सफल प्रयासों की वजह से हर रोज सैकड़ों सर्विस रिक्वेस्ट ऑनलाइन पोर्टल पर आती हैं, जिससे एक निश्चित समय में डिपार्टमेंट की ओर से क्लियरेंस दिया जा रहा है। यही नहीं, सरकार की ओर से कंपनियों को डीम्ड क्लियरेंस देने की भी व्यवस्था की गई है, जिसके तहत अगर कोई डिपार्टमेंट किन्हीं कारणों से निवेशकों को 45 दिनों के अंदर क्लियरेंस नहीं दे पाता है, ऐसी स्थिति में विभाग की ओर से उसे डीम्ड क्लियरेंस दी जाती है। किसी भी प्रदेश के विकास में उद्योग अहम रोल अदा करता है, ऐसे में यहाँ ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश सरकार की ओर से लागू की गई उद्योग नीति एक सराहनीय कदम है, जिसका फायदा प्रदेश की आवाम को कई रूप में मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। प्रदेश की वर्तमान सरकार की ओर से इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर कई मौके पर बड़े बड़े दावे किए गए। सरकार का दावा है कि इससे प्रदेश में लाखों करोड़ रुपए के नए इन्वेस्टमेंट आई है, जिससे प्रदेश के विकास को नई दिशा मिली है। लेकिन सवाल ये कि सरकार के इन दावों में कितनी सच्चाई है, इस रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल साल 2016 के मार्च महीने में दो दिनों तक हैपनिंग हरियाणा इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया था। इस समिट का मकसद साफ था, प्रदेश में उद्योग को बढ़ावा देना, ताकि रोजगार के साथ साथ विकास को रफ्तार दी जा सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि उनकी सरकार अपनी सोच में कामयाब रही है। इन्वेस्टर्स की ओर से प्रदेश को उम्मीद से 5 गुना अधिक देने की घोषणा की गई। दरअसल शुरुआत में मनोहर सरकार को 1,00,000 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद थी, लेकिन निवेशकों ने 5.84 लाख करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की। साथ ही 357 MOU भी साइन हुए थे। गुरुग्राम में आयोजित इस इन्वेस्टमेंट समिट के बाद हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र और पंजाब जैसे राज्यों को कहीं पीछे छोड़ दिया था। हालांकि ये भी जानना जरूरी है कि कंपनियों की ओर इन्वेस्टमेंट की घोषणा एक बात है, इन्वेस्टमेंट करना दूसरी बात है, लेकिन मनोहर सरकार का मानना है कि बहुत सारी कंपनियों ने हरियाणा में इन्वेस्टमेंट किया है। उद्योग के लिए हमने जब से सरकार संभाली है, उद्योगपतियों को किस प्रकार से आकर्षित किया जाए ताकि हरियाणा उनका एक प्रेफरेंस डेस्टिनेशन बने, वो यहाँ आकर के जॉब लगाने के लिए उत्सुक हों। सबसे पहले इन्वेस्टर समिट किया। इन्वेस्टर समिट के अंदर 350 MOU, जिसमें लगभग 6,00,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट का वायदा उन लोगों ने किया, जिसमें से लगभग 145 MOUs इस समय वो मैच्योर हो चुके हैं।
या तो लाइसेंस उन्होंने ले लिए हैं, ज़मीनें ले ली हैं, इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, उनकी बिल्डिंग उनकी कंस्ट्रक्शन शुरू हो गई है, इंस्टॉलमेंट एस्टेब्लिशमेंट होनी शुरू हो गई है, और या फिर अभी पाइपलाइन में जो बाकी हैं उनसे भी बातचीत चल रही है। हर इंडस्ट्री के साथ हमने रिलेशनशिप मैनेजर लगाया कि आपने MOU किया, आप आइए हमारे यहाँ, कोई उनकी डिमांड होती है, कोई सब्सिडी होती है, किसी प्रकार का रियायत चाहिए, वो हम जो हमारे सरकारी पॉलिसी के अंतर हमारे दायरे में है उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। इसके लिए कुछ स्पेशल कंसेशन एरिया वाइज भी दिए हमने कि जो हमारे ब्लॉक्स सी और डी है, हरियाणा के चार प्रकार के ब्लॉक ABCD, सी और डी ब्लॉक में प्राथमिकता हम देते हैं कि हरियाणा के युवक को आप एम्प्लॉयमेंट दीजिए, हम हर युवक के एम्प्लॉयमेंट के बदले 3,000 रुपया महीना उस इंडस्ट्री को 3 साल तक देते रहेंगे, ताकि हम चाहते हैं केवल इंडस्ट्री गुरुग्राम फरीदाबाद इसके आसपास ना बनी रहे, ये इंडस्ट्री दूर दराज इलाकों में जहां भी इंडस्ट्री कम है उसमें भी जानी चाहिए, ताकि वहां का युवक अपने रोजगार को अपने घर के आसपास ले सके। किसी भी प्रदेश में उद्योग को तभी बढ़ावा मिल सकता है जब वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, यानी बिजली, पानी, सड़क, इंटरनेट और जमीन देने की पॉलिसी दुरुस्त होगी, और ये बात मनोहर सरकार शुरुआत से जानती है। यही वजह है कि इंटरप्राइजेस इन्वेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी 2015 में CM मनोहर लाल का फोकस इज ऑफ डूइंग बिजनेस पर था। इस मौके पर पॉलिसी पेश करते हुए CM ने कहा था, प्रदेश में बढ़ते निवेश से लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। और अब जबकि मनोहर सरकार अपने कार्यकाल के 8.5 साल पूरे कर चुकी है, ऐसे में सरकार का दावा है कि हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। इस इन्वेस्टमेंट में मुख्य रूप से जो प्रोजेक्ट है ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में 1,080 एकड़ में ये ग्लोबल सिटी का एक निर्माण किया जाएगा। जमीन पहले से HSDC ने एक्वायर कर रखी है और एक आइकॉन जिसको कहना चाहिए एक सिटी ये एक बनेगी, सिटी विद इन सिटी जिसको कह सकते हैं, गुरुग्राम के अंतर्गत ही ये एक नई सिटी जो एक सिंगल जिसको एक प्लानिंग में सिंगल फेज प्लानिंग में जिसका एक किया गया उसका योजना बनाई गई है। यहाँ भी हम ग्लोबल सिटी को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लेवल की एक सिटी बनाए, 13 कंपनियाँ उसके अंदर बहुत प्रमुख कंपनियाँ जो हैं वो वहाँ पर आई हैं, दुबई इन्वेस्टमेंट, शोभा रियल्टी, डेनुबे प्रॉपर्टीज, नखील, DP वर्ल्ड, एलिंगटन प्रॉपर्टीज, गल्फ इस्लामिक इन्वेस्टमेंट, ताब्रीद, अल मार्जिन आइसलैंड, अल हमरा, डलंस प्रॉपर्टी, दमाक, AMIS। तो ऐसी 13 प्रमुख कंपनियां हैं जो डेवलपमेंट के नाते से, और दुबई अपने आप में जो रियल एस्टेट का काम है, हम में से जो लोग गए होंगे उनको मालूम होगा कि बहुत हाई क्लास हाई लेवल की बिल्डिंग्स वहाँ हैं। MR खास करके एक बहुत बड़ा डेवलपर वहाँ है, तो उस MR के जैसे हमारे गुरुग्राम में हम DLF कह सकते हैं, इस प्रकार का MR ग्रुप है, MR ग्रुप गुरुग्राम में भी काम कर रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार ने प्रदेश में उद्योग नीति को एक नई ऊंचाई देने के लिए समय समय पर विदेश का दौरा भी करते हैं और उद्योगपतियों को निवेश करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन यहाँ आपको CM मनोहर लाल से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प जानकारी देते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जीवन इतनी सादगी भरा रहा है कि उनके पास CM बनने से पहले पासपोर्ट तक नहीं था। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल कई बार इस बात को कह चुके हैं कि उन्हें बिल्कुल सादगी के साथ आवाम के बीच रहना पसंद है, गरीबों का खुद दर्द बांटना पसंद है। लेकिन सत्ता की बागडोर संभालने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साल 2015 में पासपोर्ट बनाया और फिर पहली बार शिष्टमंडलों के साथ कनाडा और अमेरिका के दौरे पर गए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दौरा निवेशकों को काफी प्रभावित किया और अब उसका लाभ आवाम को मिल रहा है। प्रदेश की वर्तमान सरकार अपने सधे हुए कदमों के साथ हरियाणा को आगे ले जाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है, लेकिन यहाँ ये देखना भी अहम होगा कि आने वाले वक्त में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का जनता पर कितना असर पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। मनोहर सरकार का दावा है कि नई उद्योग नीति से प्रदेश में फैले भ्रष्टाचार पर बहुत हद तक अंकुश लगाया जा सका है, जिससे देश के दूसरे राज्यों की तुलना में हरियाणा में निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है और इसका लाभ प्रदेश में गरीब से गरीब लोगों को कई रूप में मिल रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में।
वर्तमान की मनोहर सरकार का पहले दिन से प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का दम भर रही है, लेकिन इसके लिए सबसे जरूरी था भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का दावा है कि इसमें नई उद्योग नीति बेहद कारगर कदम साबित हुई है। बता दें कि सरकार के पास CLU में बड़े स्तर पर फैले भ्रष्टाचार की खबरें थी, जिसमें नेताओं और सरकारी अफसरों की मिलीभगत होती थी। लेकिन अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते हुए मनोहर सरकार ने मेक इन इंडिया की थीम पर अपनी महत्वाकांक्षी नीति के जरिए हरियाणा के औद्योगिक विकास का रोड मैप तैयार किया है, जिसमें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के साथ प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने पर फोकस किया गया है। यानी कुल मिलाकर इस नीति का मकसद इज ऑफ डूइंग बिजनेस एवं जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट रखा गया है, जिसके तहत व्यापार और उद्योग को सुगम बनाने, संतुलित औद्योगिक विकास करने, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य औद्योगिक माहौल बनाने, क्लस्टर जोन को बढ़ावा देने, स्किल का विकास करने, इंडस्ट्री को वैट, स्टैंप ड्यूटी, बिजली, ब्याज आदि में रियायत देने, प्रोजेक्ट क्लियरेंस को सरल बनाने और व्यापारियों को कई सहूलियतें देने का वादा किया गया है। जो ओवरसीज प्लेसमेंट जो कंपनीज हैं, उनके साथ मीटिंग की है, तो प्लेसमेंट कंपनीज 8 कंपनीज वहां आई थी, उनके सामने मैंने विषय रखा कि हम हरियाणा से स्किल्ड सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स जैसी उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी उनको उपलब्ध करा सकते हैं। यहाँ हमने स्किलिंग के लिए यूनिवर्सिटी अलग से बनाई है, जो वाइस चांसलर स्किलिंग यूनिवर्सिटी के वो भी गए थे साथ में इस मीटिंग के लिए, और जो हमारा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट है उनके भी पवन चौधरी जो एडवाइजर है वहाँ उनको भी लेकर के गए थे, ताकि इनके माध्यम से उस काम को हम चलाएं। टारगेट्स उन्होंने हमसे भी पूछे, हमने उनसे भी पूछे हैं, बातचीत अभी फाइनल कंपनियों से नहीं हुई है, लेकिन एक प्रारंभिक रास्ता हमने खोला है। हमने अपनी ओर से 1 लाख नौजवानों की ऐसी संख्या रखी है कि हम देश के दुनिया के विभिन्न देशों में 1 लाख लोगों को भेजने की अपनी स्किलिंग की तैयारी कर सकते हैं, चाहे वो स्किल यूनिवर्सिटी के माध्यम से हो, चाहे हरियाणा स्किल डेवलपमेंट जो मिशन है हमारा उसके माध्यम से हो, या वो कंपनियां स्वयं भी अपने स्किलिंग के सेंटर्स यहाँ खोल सकती हैं। हम उनको फैसिलिटेट करेंगे ताकि हमारे नौजवान पढ़ाई लिखाई करके टेक्निकल जो खास करके ITI ट्रेंड ऐसे बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो वहाँ की इंडस्ट्री के लिए जा सकते हैं। रियल एस्टेट डेवलपमेंट में भी वहाँ पर जो आवश्यकता होती है, मशीन की टाइल के जो लगाने वाले लोग हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, इस प्रकार के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग करा करके वहाँ भेज सकते हैं। बता दें कि हरियाणा का अहम मुकाबला दिल्ली, पंजाब और राजस्थान जैसे राज्यों से है, और यही कारण है कि उद्योग नीति में पड़ोसी राज्य की नीति का भी विशेष ध्यान रखा गया है। इस ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए कई नए प्रावधान भी शामिल किए गए हैं। सभी प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए 45 दिनों की समय सीमा तय की गई है। उद्योग विभाग के मुताबिक नई पॉलिसी के साथ हरियाणा की कोशिश न सिर्फ उद्योगों के पलायन को रोकने की है, बल्कि रणनीतिक रूप से पड़ोसी राज्य के उद्योगों को अपने राज्य में आकर्षित करने की भी है। दिल्ली और NCR के उद्योगों को आकर्षित करने के लिए कुंडली, मानेसर, पलवल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर IT, इलेक्ट्रॉनिक, फार्मा और मेडिकल क्षेत्र की कंपनियों को रियायत दी जा रही है। UP से सटे फरीदाबाद और पलवल में भी इंजीनियरिंग, फुटवेयर एंड फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को स्थापित करने की कोशिश जारी है। साथ ही पंजाब सीमा से सटे जिलों में इंजीनियरिंग, ऑटो पार्ट और लेदर गुड से जुड़े उद्योगों को बसाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान की ओर आकर्षित हो रही मेटल इंडस्ट्री के लिए रेवाड़ी में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर जोर दिया गया है। हमने एक निवेशक उनका जो सम्मेलन किया था उसमें भी बहुत बड़े बड़े लोगों ने आकर के इच्छा अपनी व्यक्त की कि हम यहाँ हरियाणा में निवेश करना चाहते हैं, और उसके पीछे के जो एक मुख्य कारण था कि हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इसके ऊपर काम किया। हरियाणा 2014 में 14वें स्थान पर था ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, हमने उस पर काम किया। हमारे ब्यूरोक्रेट्स ने बहुत अच्छे लोग हैं उसमें, उन्होंने हमने काम किया मिल करके 17 विभागों की सब जितनी भी परमिशंस हैं, लाइसेंस की क्लियरेंसेज हैं, वो सब एक छत के नीचे
टाइम बाउंड मैनर में 45 दिन के अंदर अंदर डीम्ड क्लियरेंस मिलेगी, ये हमने उद्योगपति को एंटरप्रेन्योर को भरोसा दिया, जिसमें से उसने कहा कि हाँ हम हरियाणा में आकर के काम करना चाहते हैं, हरियाणा में निवेश करना चाहते हैं। हरियाणा बहुत दृष्टि से इसका ज्योग्राफिकल जो हमारी जो हरियाणा की लोकेशन है ये भी हमको लाभ दे रही है। दिल्ली को तीन तरफ हम घेरते हैं, दिल्ली के निकट होने के कारण से हमको एक उसका बेनिफिट भी है। तो इस प्रकार से उद्योग को भी हम आगे बढ़ा रहे हैं, किसान को आगे बढ़ा रहे हैं, युवा को रोजगार के नाते आगे बढ़ा रहे हैं, और स्कीम्स में जिस भी समस्या के हल करने के लिए हमको जो भी ध्यान में आता है उसकी नई नई स्कीमें बना रहे हैं, और इन सब को IT प्लेटफॉर्म के साथ जोड़ करके, क्योंकि करप्शन में एक बड़ा फैक्टर होता है ह्यूमन इंटरफेस। जिन योजनाओं और यानी सेवाओं के लिए ह्यूमन इंटरफेस का सिस्टम अगर ज़्यादा होगा, डिस्क्रिशनरी पावर ज़्यादा होगी, तो वहाँ करप्शन खड़ी होगी। हमने डिस्क्रिशनरी पावर अपनी पहले छोड़ी है, बाद में अधिकारियों को कर्मचारियों को कहा कि नहीं सिस्टम से काम करिए, हम किसी प्रकार की डिस्क्रिशनरी पावर लोगों को देकर नहीं रखना चाहते। हमने यहाँ से शुरू किया कि पहले ये जमीनों के CLU दिए जाते थे, ये मुख्यमंत्री के ऑफिस में, हालांकि डिपार्टमेंट का काम होता है, डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग का काम है लाइसेंस देना CLU देना, लेकिन सिस्टम क्या थे कि इसको फाइल को CM ऑफिस में घुमा करके भेजा जाता था, वहाँ जरूर आती थी। हमने 1 नवंबर 2016 को आते ही ये तय किया कि नहीं, अब ये फाइलें CM ऑफिस में नहीं आएंगी, अगर कोई गलत बात होगी तो हम डायरेक्टर टाउन कंट्री प्लानिंग को जिम्मेवार मानेंगे, उसका काम है उसको देना, लाइसेंस देना नियमों के हिसाब से देना है, हमको ये रेकरेंस ऑफ फाइल ये इस नाते से यहाँ नहीं चाहिए, छोड़ दी डिसीजन पावर। मनोहर सरकार अपनी उद्योग नीति के जरिए प्रदेश को एक नई ऊंचाई देने में सफल साबित हो रही है। बावजूद मनोहर सरकार की ओर से अभी आवाम के हित में बहुत कुछ किया जाना बाकी है, जिससे आम लोगों को फायदा पहुंचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। किसी भी प्रदेश के लिए लघु और मध्यम उद्योग रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। ऐसे में प्रदेश की मनोहर सरकार का दावा है कि इन उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई सराहनीय कदम उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। किसी भी प्रदेश के विकास के लिए लघु और मध्यम उद्योग को बढ़ावा दिया जाना बेहद जरूरी है। ऐसे में मनोहर सरकार ने बड़े उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ साथ लघु और छोटे उद्योगों पर भी अपना फोकस किया। मतलब साफ था, इन उद्योगों के माध्यम से बेरोजगारी दूर करने के साथ साथ प्रदेश की GDP में ग्रोथ लाना, इसके लिए मनोहर सरकार ने केंद्र की मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया की तर्ज पर प्रदेश में भी लघु एवं मंझोले उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए काम शुरू किया। लेकिन प्रदेश सरकार के लिए राह इतनी आसान नहीं थी। विभिन्न विभागों में फैले भ्रष्टाचार और दलालों की भारी मौजूदगी ने उद्यमियों की कमर तोड़ कर रख दी थी। साथ ही पिछली सरकार की ओर से इसे लेकर कोई ठोस नीति नहीं थी, जिस कारण प्रदेश में लघु और कुटीर उद्योग लगातार बंद हो रहे थे, जिसका खामियाजा बेरोजगारी के रूप में सामने था। ऐसे में मनोहर सरकार ने विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की शुरुआत की और उद्यमियों को एक नई ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया, जिसका परिणाम प्रदेश में बढ़ते लघु उद्योग और रोजगार को देखकर साफ लगाया जा सकता है। इसमें कोई शक नहीं, किसी भी प्रदेश के लिए लघु और मध्यम उद्योग रीढ़ की हड्डी साबित होता है। ऐसे में प्रदेश की मनोहर सरकार की ओर से लघु उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उठाए गए कदम सराहनीय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो विकासशील हरियाणा के जरिए आपने देखा कि कैसे मनोहर सरकार में नए उद्योग को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे प्रदेश खुशहाली की ओर बढ़ सके। हमारे साथ फिलहाल इतना ही, तो चलिए दीजिए इजाजत, कल फिर मुलाकात होगी एक नई योजना के साथ। नमस्कार।